प्यारे बच्चों, सुप्रभात। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा दसवीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य खंड का पाठ एक साखी पढ़ेंगे, जो कबीर दास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम कबीर दास जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। कबीर दास जी का जन्म 1398 में और मृत्यु 1518 में हुई। कबीर भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था तथा लोक लाज के भय से उसने इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीमा तथा नीरू नामक दंपत्ति, दंपत्ति का अर्थ है पति पत्नी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया। कबीर पेशे से एक जुलाहे थे, अर्थात वे सूत काट कर कपड़ा बुनते थे। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमानों का भेद मिटाकर हिंदू फकीरों तथा मुसलमान पीर आलिया दोनों की अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाया। वे ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। वे परमात्मा को मित्र, माता पिता व पति के रूप में देखते थे। वे कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वे अवतार, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद आदि को नहीं मानते थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। इनकी भाषा पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी तथा ब्रज भाषा की खिचड़ी है, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में कबीर का देहांत हो गया। कबीर दास जी का व्यक्तित्व संत कवियों में अद्वितीय है। आइए अब हम कबीर दास जी के दोहों का वाचन करेंगे तथा उनका भावार्थ समझेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ऐसी वाणी लोगों का दिल दुखाती है। मीठी वाणी घमंड से रहित होने के कारण सुनने वालों को और उनके साथ साथ बोलने वाले को भी सुख व शीतलता प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य है कि मृदु वाणी सभी के लिए हितकर है, इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरा दोहा है, कस्तूरे कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कुंडली का अर्थ है नाभि, घटी घटी यानी कि कण कण में, कस्तूरी या एक सुगंधित पदार्थ है। कवि कहते हैं कि जैसे कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में होता है, किंतु वह इस बात से अनजान होने के कारण खुशबू में मतवाला होकर जंगल में इधर उधर भटकता रहता है ताकि वह उसे पा सके। उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को पाने की चाह में धार्मिक आडंबरों, मंदिर, मस्जिद आदि में फंसा रहता है, जबकि ईश्वर तो सबके हृदय में वास करता है। अब
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देख्या माही। यहाँ हरि ईश्वर के लिए है और यहाँ मैं के दो अर्थ हैं, एक स्वयं और दूसरा अहंकार। इसमें कवि कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था अर्थात घमंड था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। जब ज्ञान के दीपक से प्रकाश हुआ अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, तब तक मेरे मन का अंधियारा यानी कि अज्ञानता समाप्त हो गई। कहने का भाव यह है कि जब तक मनुष्य में घमंड होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ अरु का अर्थ है और, खाए का अर्थ है खाए और सोवे का अर्थ है सोए। कवि कहते हैं कि इस संसार में अधिकांश लोग भौतिक सुखों को भोगना ही मानव जीवन का लक्ष्य समझकर जीवन बिता रहे हैं। अकेले कबीर दास जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर के विरह से व्याकुल हैं तथा आंसू बहा रहे हैं। वे संसार के लोगों को देखकर इस बात से चिंतित व दुखी हैं कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। हमारा अगला दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होए। यहाँ भुवंगम का अर्थ है सांप, विरह यानी कि वियोग, बोरा यानी कि पागल। कवि ईश्वर के वियोग के कारण आत्मा की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विरह रूपी सांप ने शरीर को डस लिया है और इस पर किसी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि सांप के विष का उपचार तो संभव है, किंतु ईश्वरीय भक्ति का सर्प जब शरीर को जकड़ लेता है तो उसका उपचार सर्वथा असंभव है। ईश्वर के प्रेम वियोग में भक्त या तो जीता नहीं है और या फिर जीवित होते हुए भी उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। हमारा अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। यहाँ निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला यानी हमारी मजाक उड़ाने वाला, नेड़ा यानी कि पास, आंगड़ी यानी कि आंगन, साबन यानी कि साबुन, निर्मल यानी कि स्वच्छ करना। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदकों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही हित होगा, क्योंकि निंदक जब हमारी बुराइयां व कमियों पर व्यंग्य बाण कसेगा अर्थात हमारा मजाक बनाकर हम पर हंसेगा, तो हम उसके माध्यम से अपनी कमियों को जान लेंगे तथा उन्हें दूर करके हमारा स्वभाव निर्मल कर लेंगे। इस काम में कोई खर्च भी नहीं होगा। अगला दोहा है हमारा, पोथी पड़े पड़े जग मुवा, पंडित भया न कोए, एके अशर पीव का, पड़े सुपंडित होए। यहाँ पर पोथी से तात्पर्य है बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से है, मुवा यानी मर गया, अशर यानी अक्षर, पी यानी प्रिय या हमारा परमात्मा। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं
कि शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्र आदि ग्रंथों का अध्ययन करके अनेक लोग मर गए किंतु वास्तविक ज्ञानी नहीं बन पाए। वे कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है, अर्थात जब तक मनुष्य को ईश्वर प्रेम के बारे में ज्ञान हो। जो यह जान लेता है कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। अब इसका आखिरी दोहा है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। यहाँ आपना का अर्थ है अपना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी। यह कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने स्वयं अपने हाथों से जलती हुई लकड़ी यानी कि ज्ञान के प्रकाश से अपना घर अर्थात मोह माया लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों को जला डाला है और उनका त्याग कर दिया है। वे उन लोगों को साथ चलने का आग्रह कर रहे हैं जो वास्तव में दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हैं। आशा है बच्चों आपको दोहों का वाचन और भावार्थ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।